अंकिता मैडम कैसे हैं आप? ठीक ठाक मैडम। मैडम ये बताइए कि कैसा लगा आपको पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी आके? पुलिस के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है फ्रॉम हायर डिपार्टमेंट्स एंड और सोते भी नहीं है डेज एंड नाइट्स एंड इन सब के बावजूद अगर क्राइम रेट भी कंट्रोल में नहीं आता तो हम लोग सबसे पहले इन्हीं को ही ब्लेम करते हैं। तो आई थिंक अवाम के तौर पे एंड एज अ सिटीजन वी नीड टू चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दीज अथॉरिटीज एज वेल। जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि किस तरह टेक्नोलॉजी के साथ मदद ली जा रही है और किस तरह पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज जो है हमारे शहर लाहौर को और पूरे पंजाब को महफूज बनाने के लिए कोशिश हैं और अपनी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं और बहुत ही एक अच्छा सिस्टम है यहाँ पे कि पूरे शहर को मॉनिटर किया जा रहा है और ये काफ़ी हेल्पफुल भी है। उबैद कभी आपने 15 पे कॉल की? जी बिल्कुल मैंने 15 पे कॉल की और मैंने मेरे आगे एसपी साहब से भी बात हुई इस मौजू पर कि जब 15 कॉल की मैंने तो 15 का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था और उसके बाद सेफ सिटी अथॉरिटीज़ का जो रिस्पॉन्स था वो वेरी इंप्रेसिव था। मुझे सेफ सिटी ऑफिस से कॉल आई ऑपरेटर की, उन्होंने मुझसे लोकेशन पूछी मेरी और फिर उन्होंने मुझे कैमरे में लोकेट किया, लोकेट करके उन्होंने मुझे वहाँ से वीडियो रिवाइंड की। मोबाइल स्ट्रेचिंग का केस था तो उन्होंने मुकम्मल ट्रेस किया केस को, उन्होंने मुझे बताया कि आपने फलां रंग के कपड़े पहने हैं, आपसे फलां बाइक वाले ने मोबाइल खींचा है। लाहौर को पूरे को देखा जा रहा है और उधर से पूरी विजिलेंस हो रही है कि गार्ड्स की नंबर प्लेट और उनके मतलब काफ़ी प्रिसाइज फुटेज आ रही है। और इसके अलावा मुझे जो सेफ्टी में सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि उनकी वुमेंस के लिए ऐप जिधर से वो अपना रिव्यू ले सकते हैं कि उनके लिए क्या जगह सेफ है क्या नहीं सेफ और इजीली वो कहीं से कहीं भी जाना वो जा सकते उनके लिए रिव्यू अवेलेबल है। पहले तो मैं समझता था कि हमें कोई नहीं देख रहा, अभी कैमराज देखें तो पता चलता है कि पुलिस की हर चीज़ पर नज़र है और सेफ सिटीज़ जो हैं बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं, मैं काफ़ी खुश हुआ हूँ। मैडम कैसा लगा पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी आकर और स्पेशली खवातीन के लिए वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन के हवाले से बताइए कि वो कैसे इनिशिएट जो है वो इससे पहले तो हमें बिल्कुल नहीं आइडिया था लेकिन वो यहाँ पर आकर मुझे आइडिया हुआ कि वो बहुत अच्छी गैप है। यहाँ आकर लगता है कि शायद एज ए सिटीज़न हमारी गलतियाँ ज़्यादा हैं, पुलिस अच्छा काम कर रही है। मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई हूँ कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया टुवर्ड्स द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन। अब मैं इसको पर्सनली खुद इंस्टॉल करूँगी, यूज़ करूँगी एंड रिकमेंड करूँगी अपने फैमिलीज को फ्रेंड्स को एंड मुझे बहुत बिल्कुल मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये बहुत अच्छा काम करे। इट वॉज अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स द पीपल। आई मस्ट से कि ये इसको इंस्टॉल करें और यूज़ करें बिकॉज इसके बगैर वी कांट लिव मोर। और जैसे कि क्राइम रेशियो बहुत ज़्यादा हो गई है तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुहिम वगैरह चलाएँ। माना आपने यहाँ पे ई चलान का डिपार्टमेंट विजिट किया, उसको देखने के बाद आप क्या समझते हैं कि वायलेशंस कम होंगी क्या? वायलेशन बहुत कम हो गई है क्योंकि पहले ये होता था कि हमारा एक ऑर्डिनरी तरीका था कि वो लिख के देते थे आपको और वो देखते थे कि पुलिस वाला आया हुआ है और आप ये चलान करेगा। अब ई जो टेक्नोलॉजी आई है ना नई तो उससे ये फ़ायदा हुआ है कि अब हर बंदा डिटरेंस में है कि अगर मुझे कोई देख नहीं रहा लेकिन एक टेक्नोलॉजी है जो मुझे देख रही है हर वक्त तो वो ज़रूर मैं चलान से नहीं बच सकता और वो ज़रूर मैंने पे करना है। तो अगर आप रात के 2 बजे हैं 3 बजे हैं 5 बजे हैं कोई भी वक़्त है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कोई देख रहा है और आपने वो चलान पे करना है। जब ये चलान घर में आना शुरू हो गया पता लग गया यार नहीं आइंदा के बाद ऐसा नहीं करना और ये बहुत अच्छा लगा कि देखें हम मस्जिद होने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है एकदम नहीं इंसान की नेचर ऐसी होती है एकदम नहीं वो पॉजिटिव की तरफ जाता पर ऐसा ऐसा हमें पता लग गया नहीं यार आइंदा के बाद ऐसी वायलेशन नहीं करनी। आपके घर ही चलान आया तो आपके घर वालों ने या आपके फ्रेंड्स ने आपका मजाक तो नहीं उड़ाया कि आप वायलेशन करते हैं? बिल्कुल फादर ने थोड़ा सा कहा भी था यार कुछ ख्याल किया करो। फिर बाकी फ्रेंड्स को सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं आपने वायलेशन नहीं करनी है कैमरा देख रहा है? दोस्तों में भी अक्सर कहीं बैठे गपशप हो रही हो तो ये बात हो रही होती है यार ख्याल करना आइंदा के बाद ई चलान आते हैं घर में बाइक के भी वन डेट आ रहे हैं।